वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक फॉर नाइट टाइम। सो ये एक नाइट टाइम मेकअप लुक है फॉर वेडिंग गेस्ट। सो ये जो लुक है आप साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं, लहंगा के साथ कैरी कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब एक ग्लैम मेकअप लुक है ये। और मैंने यहाँ पे ना आईज में कोई भी ग्लिटर अप्लाई नहीं किया है, अगर आप चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही मुझे लुक बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था तो इसीलिए मैंने ऐसे लुक को क्रिएट किया है। तो जो भी स्टेप में मैंने इस लुक को क्रिएट किया है, अगर आप सेम स्टेप फॉलो करते हो आप भी ऐसे खूबसूरत सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। और इससे पहले भी मैंने वेडिंग गेस्ट मेकअप पे एक मॉर्निंग टाइम का लुक भी शेयर किया था, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगी, तो आप जरूर चेक कर सकते हैं। सो ये मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए भी जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज किया है सारे के सारे डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ये लुक भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस में अप्लाई करने वाली हूँ एक फेशियल मिस्ट। तो फेस को हाइड्रेट करने के लिए मैंने अच्छी तरीके से फेस पे फेशियल मिस्ट का अप्लाई कर लिया है मैंने। ओके, ये जब फेस सोक कर लेगा उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। तो मैंने पॉन्स का मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है क्योंकि विंटर टाइम हमें आ गया है, तो इसीलिए एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। तो फेस में और नेक पे मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का ड्यूई प्राइमर का यूज़ किया है। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा प्राइमर है, आपके फेस में एक नेचुरल ड्यूई फिनिश देता है, तो काफ़ी मुझे पसंद आया। ओके, ये इसके बाद मैं यूज़ करूँगी लॉरियल पेरिस की इनफॉलिबल 24 आवर मैट कवर फाउंडेशन, और उसके साथ मैं मिलाऊंगी स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लोई मेकअप करूँगी इसके लिए। ओके, देन फेस में डैब डैब करके पहले अप्लाई कर लूँगी फेस और नेक पे, उसके बाद एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छी तरीके से मैं अप्लाई मतलब ब्लेंड कर लूँगी। तो फाउंडेशन हमेशा डैबिंग मोशन पे आपको ब्लेंड करना है, कभी भी ड्रैग मत कीजिएगा। सो आप इसका कवरेज देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा कवरेज है इसका और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है फाउंडेशन। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस कंसीलर का यूज़ किया है। तो अपने अंडर आई पे, अपने आईलिड पे, फॉरहेड पे, ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड्स बो चेन एंड अपने चिक बोन के थोड़ा सा नीचे की तरफ में अप्लाई किया है हाईलाइट करने के लिए। ओके, देन फिर से इसको भी अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा कंसीलर है, कवरेज भी बहुत अच्छा है, पूरा मेकअप को सेट करने के लिए। मेबलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आईब्रोज को फिलिंग करने के लिए मैंने मार्स की आईब्रो पैलेट का यूज़ किया है, ये सबसे फेवरेट पैलेट है मेरा। ओके, आई मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है SFR कलर की हेडेड विद लव आई शेडो पैलेट। उसमें से ये कलर को एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश पे लेकर पूरे आईज की जो ट्रांजिशन है वहाँ पर मैं पहले इस कलर को अप्लाई कर लूँगी एक ट्रांजिशन शेड के लिए। ओके, उसके बाद उससे थोड़ा सा एक डार्क कलर को लेकर अपनी क्रीज में पहले कलर को एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से पहले मैं अप्लाई करूँगी। उसके बाद आपको एक फ्लावर ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसके हेल्प से आपको उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। तो ब्लेंडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जितने अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे और आई मेकअप उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में और स्लीमलेस लुक आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्रीज को और थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए और थोड़ा सा उसी कलर को मैंने अप्लाई किया है, देन फिर से आपको ब्लेंडिंग करना है। तो इससे क्या होता है, आपके आई मेकअप बहुत अच्छा लगता है, कहीं पर भी हार्श लाइन्स नहीं रहते हैं। देन उसके बाद ऐसे मरून ऐसे कलर को लेकर अपने आउटर वी में पहले कलर को मैं अप्लाई करूंगी आउटर वी को डेप्थ देने के लिए। फिर से फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से आउटर वी को मैं ब्लेंड कर लूंगी, तो आप देख सकते हैं। ओके, देन एक लिप ब्रश की हेल्प से मैं थोड़ा सा कंसीलर को लेकर यहाँ पे कट क्रीज ड्रॉ कर रही हूँ। तो अगर आप बिगिनर है और अगर आपको कट क्रीज आई मेकअप लुक करना है तो कोई भी लिप ब्रश जो होता है उसके हेल्प से अगर कट क्रीज आप ड्रॉ करते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिसाइजली आप एक कट क्रीज मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद एक फ्लैट ब्रश में ये गोल्डन कलर को लेकर जहाँ पर मैंने कट क्रीज ड्रॉ किया है वहाँ पर मैं कलर को डैबिंग मोशन पर अप्लाई कर लूँगी।
देन फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ये कट क्रीज जहाँ पे एंड हुआ है उसके साथ आउटर वी का कलर को मैं थोड़ा सा मतलब ब्लेंड कर लूँगी। देन क्रीज में मैंने जो कलर को अप्लाई किया था उसी को अपने लोअर लैश लाइन में थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। ओके, लाइनर के लिए मैंने पे मेबलिन का लाइनर का यूज़ किया है। ये भी एक अमेजिंग लाइनर है, ये मैट लाइनर नहीं है, इसमें मतलब थोड़ा सा शाइन फिनिश है इसमें। तो यहाँ पे बेसिक सा एक विंग लाइनर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। देन मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लॉरियल पेरिस की मस्कारा का यूज़ किया है। अमेजिंग मस्कारा है ये, और ऐसे मस्कारा यूज़ करने के बाद आपको कोई भी फॉल्सीज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप देख सकते हैं मेरे लैशेस बहुत अच्छा लगता है देखने में, आप जैसे देख सकते हैं। ओके, कंट्रोल करने के लिए मैंने एलेगर की प्रो कंट्रोल किट का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो अपने चिक बोन अपने हॉलोज ऑफ चिक्स पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और उस आपके जॉ लाइन पे अप्लाई किया है, फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद नोज़ को भी थोड़ा सा अप्लाई कर लिया है। ब्लश के लिए मैंने मिस क्लियर का पैलेट का यूज़ किया है, उसमें से ये रेड कलर को लेकर एज अ ब्लश मैं अप्लाई कर लूँगी अपने एप्पल ऑफ चिक्स में। थोड़ा सा नोज़ के टिप पे मैंने अप्लाई कर लिया है। मेकअप को सेट करने के लिए मैंने डॉक्टर रैशल की मेकअप सेटिंग स्प्रे का यूज़ किया है। सो ये एक बहुत ही एक फाइन स्प्रे है, ये इससे मेकअप बहुत अच्छी तरीके से सेट होता है और फेस में एक बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है, अच्छा सुंदर सा। ओके, देन हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे मैलियो का हाइलाइटर का यूज़ किया है। अमेजिंग हाइलाइटर है गाइस, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा हाइलाइटर है। तो इसके हेल्प से मैं पूरे फेस को हाइलाइट कर लूँगी। तो हमेशा मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ही हाइलाइटर यूज़ कीजिए, इससे आपके फेस में एक बहुत सुंदर सा ग्लो लगता है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता है देखने में। ओके, देन अपने आईब्रोज को अपने ब्राउ बोन को ब्राउ बोन को और अपने आईज के इनर कॉर्नर को मैंने हाइलाइट कर लिया है। ओके, देन लिपस्टिक के लिए मैंने पे ब्लू हेवन का ये लिपस्टिक का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं गाइस, अमेजिंग शेड है ये, परफेक्ट न्यूड शेड है। मैं सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। ओके, सो दिस इज माय फाइनल फिनिश लुक यू गाइस। सकूं मैं तुमको।